रक्तदान तब होता है जब एक स्वस्थ व्यक्ति स्वेच्छा से अपना रक्त देता है। देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में कई वीर सपूतों ने देश के लिए बलिदान दे दिया था। शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के 78वें शहीद दिवस पर बबीना छावनी परिसर ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। बबीना में आज शौर्य समर्पण बलिदान पर प्रतिमूर्ति स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के बलिदान दिवस पर रक्त शिविर का आयोजन किया गया है। छावनी परिसर बबीना के शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही 158 लोगों ने चेकअप करवाए तथा 12 लोगों ने ब्लड डोनेट भी किया। अपनी जान को हंसते हंसते कुर्बान करने वाले वीर सपूतों को हर वर्ष किसी न किसी अवसर पर जरूर याद किया जाता है, लेकिन 23 मार्च का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बबीना के छावनी परिसर अस्पताल में भी यह दिन रक्तदान शिविर का आयोजन करके मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिगेडियर शांतनु गोयल, एडम कमांडेंट अशोक पंगाल, सीईओ महेश चंद सैनी, परिसर छावनी सुरेश कुशवाहा के साथ झांसी की रक्तदान टीम मौजूद रही। ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि इस आजादी के लिए हमने लड़ा है, हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए। इस आजादी में कई माओं ने अपने बेटों को तो कई पत्नियों ने अपने पति को तो कई बहनों ने अपने भाइयों को खोया है। और साथ ही कहा कि आजादी के 75वें साल पर ऐसे नागरिक बनिए कि अगर देश के लिए जान भी गंवानी पड़े तो कोई अफसोस ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। आजादी के 75 साल और आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहीदी दिवस पर कैंटोनमेंट बोर्ड बबीना ने जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, मुझे बहुत खुशी है। ये भी देखते हुए कि इतने लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और मैं यहाँ के सीईओ साहब श्री महेश चंद्र सैनी को भी थैंक यू करूँगा कि इन्होंने इसको आज के दिन आयोजित किया। ये बहुत ही अच्छी बात है और साथ ही सभी डॉक्टर साहब, मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ का भी शुक्रिया करूंगा कि रक्तदान शिविर को इन्होंने शेप दिया और साथ ही पिछले 2 सालों में जो इन्होंने हमारी सहायता की है और जिस तरीके से हमारे को कोविड से बचा के रखा है, वैक्सीनेशन यकीन किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं और वेरी वेरी वेल डन। बबीना से विजय वर्मा के साथ प्रदीप यादव की रिपोर्ट।